हेलो एवरीवन, मैं पीयूष गुप्ता फ्रॉम एन एप्साइलन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स स्पेस, राइट। सबसे पहले मैट्रिक्स स्पेस में क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन के अंदर क्या होता है, एक्स जो होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देन जो डी मैट्रिक है वो एक्स से एक्स तक डिफाइन होती है और इसकी चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चार प्रॉपर्टीज़ आप सभी को पता होंगी कि जब डी जीरो होगा तो एक्स जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होता है हमेशा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास डायमीटर ऑफ ए, वो किससे डिफाइंड होता है, वो होता है सुप्रीम ऑफ डी एक्स वाई। सुप्रीम लेना होता है उस मैट्रिक का हमें, ठीक है। और एक्स वाई जो होते हैं वो ए के अंदर बिलोंग करते हैं, ए जो होते हैं वो सबसेट ऑफ एक्स होता है। देन डी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू इन्फीम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इधर भी ए और बी इस सबसेट होते हैं एक्स के। उसके बाद आती है हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस आर एन, वो किसे डिफाइन होता है, उसकी मैट्रिक किसे डिफाइन होती है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन। उसके बाद मैक्सिमम मैट्रिक किसे डिफाइन होती है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन, मॉड ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू, कॉमा अप टू सो ऑन एक्स एन माइनस वाई एन। इसका मैक्सिमम मैट्रिक जो होती है वो हमारी होती है डी ऑफ एक्स वाई। उसके बाद आती है हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक, ये आप सभी को पता होगी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वाई एंड वन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। उसके बाद आती है हमारे पास टैक्सी कैब मैट्रिक, वो क्या होती है, डी डिफाइन होता है आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर क्रॉस आर स्क्वेयर टू आर तक, एज डी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई फ्रॉम वन टू टू मॉड ऑफ ए आई माइनस बी आई। उसके बाद आती है हमारे पास सेट ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन की मैट्रिक, एक्स इज इक्वल्स टू सी ऑफ ए बी सेट ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शन एंड रो से डिफाइन करते हैं इसको, रो फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, एज रो ऑफ एफ जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक रिमार्क है, रिमार्क क्या कहते हैं कि स्पेस ऑफ ऑल इंटीग्रेबल फंक्शंस रो इज नॉट अ मैट्रिक, कि हर जो स्पेस होता है हर एक इंटीग्रेबल फंक्शन का रो वो मैट्रिक डिफाइन नहीं करता। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इफ एक्स कॉमा डी इज अ मैट्रिक स्पेस देन डी वन डिफाइंड बाय डी वन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ वन कॉमा डी एक्स वाई इज ऑल्सो अ मैट्रिक ऑन एक्स। मीन्स अगर हम मिनिमम ले वन और डी एक्स वाई का, वेयर डी ऑफ एक्स वाई जो होगा मैट्रिक होगी, तो वो जो डी वन एक्स वाई होगी वो भी मैट्रिक स्पेस बनाएगी। उसके बाद इफ डी वन एंड डी टू आर मैट्रिक स्पेसेस देन कन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो होता है डी वन और डी टू का वो भी मैट्रिक होता है। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज अ मैट्रिक इफ एंड ओनली इफ एन इज ऑड। मीन्स अगर एक्स माइनस वाई है, मतलब एन को वन ले लिया तो एक्स माइनस वाई बना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मॉड भी मैट्रिक बनेगी, बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड जो होगा वो मैट्रिक नहीं बनेगा। उसके बाद एट पॉइंट में क्या है कि अगर इफ एनी सेट ए इज अनबाउंडेड देन ए कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, अगर कोई सेट अनबाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट कभी भी नहीं बनेगा। इफ वी हैव मैट्रिक स्पेस क्यू कॉमा डी एंड ए बी एनी सबसेट वेयर विच इज क्लोज एंड बाउंडेड देन दैट सबसेट नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। अगर कोई मैट्रिक के अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, मैट्रिक हमने ली क्यू कॉमा डी और एक कोई भी सबसेट ले लिया हमने जो कि क्लोज्ड और बाउंडेड है, तब भी वो ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक कॉम्पैक्ट होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने ए इज इक्वल्स टू रूट टू कॉमा रूट थ्री इंटरसेक्शन क्यू और ए को हमने क्या लिख दिया, सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ एन टू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट तक ले लिया हमने यूनियन किसका, रूट टू माइनस वन बाई एन कॉमा रूट थ्री प्लस वन बाई एन। तो इसके अंदर नो फाइनाइट सब कवर, कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा, इसका जो इन्फाइनाइट सब कवर है जो ए को कवर कर रहा है, तो इसलिए कोई भी हमें फाइनाइट नहीं मिला तो कॉम्पैक्ट नहीं बनाएगा ये। उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस आर क्लोज्ड, कॉम्पैक्ट जो सबसेट होते हैं मैट्रिक स्पेस के वो क्लोज्ड होते हैं।
इफ एफ इज क्लोज एंड के इज कॉम्पैक्ट, देन एफ इंटरसेक्शन के जो होता है वो कॉम्पैक्ट बना देते कॉम्पैक्ट बना देगा। उसके बाद हमारे पास अगर के एन जो है सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट है के अंदर और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, देन और लिमिट हमारे पास के एन की डायमीटर ऑफ के एन मीन्स सुप्रीम ऑफ के एन जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इंटरसेक्शन जो होगा के एन का वो सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, उसके बाद हिनबोरेल प्रॉपर्टी होती है कि एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर जो होंगे वो कॉम्पैक्ट होते हैं आर के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस के अंदर ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल देखा था कि कॉम्पैक्ट क्लोज एंड बाउंडेड था बट कॉम्पैक्ट नहीं था। ठीक है, उसके बाद 14 पॉइंट में क्या है, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट, फाइनाइट सबसेट आर का जो होगा वो कॉम्पैक्ट होगा। उसके बाद 15 पॉइंट क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट कॉम्पैक्ट, सेट ऑफ रियल नंबर्स बाउंडेड नहीं होते इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं बनेंगे। उसके बाद 16 पॉइंट हमारे पास जो इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास हैं कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस के, कॉम्पैक्ट हमें गिवन होगा इसके अंदर। सपोज दैट एफ है हमारे पास कॉन्टीन्यूस मैपिंग ऑफ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस एक्स इंटू कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस वाई, देन एफ एक्स जो होगा वो कॉम्पैक्ट बन जाएगा, मीन्स दैट इज कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट जो होगा वो कॉम्पैक्ट होगा। उसके बाद 17 पॉइंट के कह रहे हैं इफ एफ इज कॉन्टीन्यूस मैपिंग ऑफ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस एक्स इंटू आर के, देन एफ एक्स जो होगा वो क्लोज एंड बाउंडेड होगा, मीन्स कॉन्टीन्यूस मैपिंग ली हमने तो कॉन्टीन्यूस मैपिंग के अंदर एफ एक्स जो होगा वो क्लोज एंड बाउंडेड होगा मतलब कॉम्पैक्ट होगा। उसके बाद 18 पॉइंट है इफ एफ इज अ कॉन्टीन्यूस वन वन मैपिंग ऑन कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस एक्स ऑन टू कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस वाई, कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस एक्स से लेकर कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस वाई तक, देन इनवर्स मैपिंग जो होगी एफ इनवर्स डिफाइन किससे कर रखी है हमने, एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये भी जो होगी ये कॉन्टीन्यूस मैपिंग होगी वाई ऑन टू एक्स तक, मीन्स इनवर्स मैपिंग जो होगी वो भी कॉन्टीन्यूस मिल जाएगी हमें। ठीक है, उसके बाद है 19 पॉइंट एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस जो होता है वो कॉम्प्लीट होता है। ठीक है, इफ एफ एक्स इज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस और पी एन जो है वो कॉशी सीक्वेंस है एक्स के अंदर, देन पी एन की जो सीक्वेंस होगी वो किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी एक्स के। ठीक है, उसके बाद है इफ एफ इज अ कॉन्टीन्यूस मैपिंग है कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस एक्स इंटू कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस वाई तो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस हो जाएगा एक्स के अंदर। उसके बाद आती है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि एक्स हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है, देन एक्स कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी कॉन्टीन्यूस रियल फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मींस अगर किसी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कॉन्टीन्यूस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन हो जाए और मिनिमम वैल्यू भी अटेन हो जाए तो एक्स जो होगा वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मींस कॉम्पैक्ट के लिए दो ही चीज़ चाहिए होती है बाउंडेड और क्लोज, तो अटेन तो ये कर ही रहा है और बाउंडेड हो जाएगा क्योंकि क्लोज इंटरवल होगा। तो टोटली बाउंडेड क्या है, इफ एफ फोर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो द स्पेस कैन बी कवर्ड बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ओपन बॉल्स ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, देन एवरी टोटली बाउंडेड सेट इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स हमारे पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन बॉल्स मिल जाती हैं रेडियस एप्सिलॉन की तो वो टोटली बाउंडेड हो जाएगा, लेकिन और टोटली बाउंडेड जो सेट होता है वो बाउंडेड होता है बट कन्वर्स ट्रू नहीं होता। उसके बाद 24 पॉइंट क्या है, अ सबसेट ऑफ अ यूक्लिडियन स्पेस आर एन इज बाउंडेड, यूक्लिडियन स्पेस जो होता है आर एन का वो बाउंडेड होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज टोटली बाउंडेड, अगर वो टोटली बाउंडेड है तो सेपरेबल इफ देयर इज अ काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स दैट इज डेंस इन एक्स, अगर हमारे पास कोई भी काउंटेबल सबसेट मिल जाए एक्स के अंदर एक्स का जो कि डेंस हो तो वो सेपरेबल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं, अगर एक्स कंप्लीट है एंड टोटली बाउंडेड है इफ एंड ओनली इफ कॉम्पैक्ट होगा,
या फिर सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो या फिर सेपरेबल हो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है चारों, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेडनेस क्या है, कनेक्टेडनेस मीन्स ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, आप उधर से भी जाके पढ़ सकते हो कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर नॉट इक्वल टू फाइव होना चाहिए। मीन्स इफ इट कैन नॉट बी रिटन एज अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट तो कनेक्टेड सेट होता है। टू डिसजॉइंट सेट जरूरी नहीं है कि सेपरेटेड हो, जैसे कि ए हमने ले लिया ओपन इंटरवल 0,1 और बी ले लिया क्लोज इंटरवल 1,2, तो ये सेपरेटेड नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे पास पाथ की डेफिनेशन। पाथ की डेफिनेशन क्या कहती है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, देन कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो होगा एफ क्लोज इंटरवल 0,1 से ए तक, वेयर एफ जीरो एक्स है और एफ वन वाई है। तो ये जो होगा ये पाथ के को डिनोट करेगा कि हमें पाथ मिल गया ए के अंदर फ्रॉम एक्स से लेकर वाई तक, ठीक है। उसके बाद पाथ कनेक्टेड क्या होता है, पाथ कनेक्टेड मीन्स इफ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए देयर इज अ पाथ इन ए फ्रॉम एक्स टू वाई, ये ऑलवेज कनेक्टेड होता है। पाथ कनेक्टेड मीन्स पाथ मिलना चाहिए हमारे पास, एवरी कनेक्टेड सेट नीड नॉट बी अ पाथ कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि हर एक कनेक्टेड सेट पाथ कनेक्टेड सेट नहीं होता, बट पाथ कनेक्टेड सेट हमेशा कनेक्टेड होता है। उसके बाद है हमारे पास सबसेट ऑफ आर आर कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ पाथ कनेक्टेड, आर के जो सबसेट होते हैं अगर कनेक्टेड है तो पाथ कनेक्टेड होगा। उसके बाद 30th पॉइंट है हमारे पास कि एफ कॉन्टिन्यूस मैपिंग है ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इंटू मैट्रिक्स स्पेस वाई और ई कनेक्टेड सबसेट है, देन एफ ई जो होगा वो कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कॉन्टिन्यूस मैपिंग हो मैट्रिक्स स्पेस एक्स से मैट्रिक्स स्पेस वाई तक और ई कनेक्टेड होगा तो एफ ई भी कनेक्टेड हो जाएगा, मीन्स कनेक्टेड को ये प्रिजर्व रखता है। उसके बाद है अ सबसेट ई ऑफ द रियल लाइन आर इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ई वाई बिलोंग्स टू ई एंड एक्स इज लेस देन जेड इज लेस देन वाई देन जेड बिलोंग्स टू ई। मीन्स हमने रियल लाइन पर एक सबसेट ले लिया ई जो कि कनेक्टेड है, कनेक्टेड कब होगा इफ एंड ओनली इफ हम ये दोनों पॉइंट एक्स और वाई तो बिलोंग कर ही रहे हैं ई के अंदर, हमने जेड और ले लिया इन दोनों के बीच में, तो जेड भी जो होगा वो इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है। उसके बाद है 32 पॉइंट, अ फाइनाइट सेट इज कनेक्टेड इफ एंड इफ इट इज अ सिंगलटन एंड डिसकनेक्टेड इफ इट इज इट हैज मोर देन वन एलिमेंट। मीन्स फाइनाइट सेट अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर या तो सिंगलटन होगा तभी कनेक्टेड होगा, अगर हमने एक से ज्यादा पॉइंट ले लिए और फाइनाइट भी है तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। सबसेट ऑफ टू सेपरेटेड सेट आर देमसेल्व सेपरेटेड, अगर हम सेपरेटेड सेट के सबसेट लेते हैं तो वो तो अपने आप में ही सेपरेटेड होंगे। टू क्लोज्ड ओपन सेट आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर डिसजॉइंट, अगर हमने दो क्लोज्ड सेट लिए या फिर दो ओपन सेट लिए सेपरेटेड सेट तो वो या डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में हो जाएंगे। लेट ए एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस देन इज कनेक्टेड, ठीक है, ये ऑब्वियसली डेफिनेशन है। क्यू क्रॉस क्यू इज डिसकनेक्टेड होता है, एनी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस डिस्क्रीट स्पेस विद मोर देन वन पॉइंट इज डिसकनेक्टेड, डिस्क्रीट स्पेस के अंदर अगर हम एक से ज़्यादा पॉइंट लेंगे तो वो डिसकनेक्टेड ही होगा। लेट ए बी अ काउंटेबल सबसेट ऑफ आर एन और एन ग्रेटर देन वन है तो आर एन माइनस ए जो होगा वो कनेक्टेड हो जाएगा, ये काउंटेबल पॉइंट्स हटा दिए तो उसके अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे तो कनेक्टेड बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास द मैपिंग एफ फ्रॉम आर से लेकर माइनस वन टू वन तक डिफाइंड बाय एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये होमियोमॉर्फिक होगा
विद यूजुअल मैट्रिक, ठीक है, एक्स कॉमा डी वन इज होमियोमॉर्फिक टू एक्स कॉमा डी टू इफ डी ऑफ डी वन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी टू ऑफ एफ एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, ये होमियोमॉर्फिक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैपिंग हमें डिफाइन करिए आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर तक और एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वन कॉमा वाई वन वेयर एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये इज अ आइसोमेट्री है ऑफ द प्लेन ऑन टू इट सेल्फ, आइसोमेट्री है ये, हमारे आइसोमेट्री की डेफिनेशन है, राइट। बी पॉइंट बी एग्जाम्पल क्या है, एफ हमने लिए आर से आर तक डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस फोर, ये आइसोमेट्री नहीं बनाएगा क्योंकि इसके अंदर एक्स वन एक तरफ ही है और दूसरी तरफ हमारे पास एक्स टू कुछ नहीं है। आइसोमेट्री इज ऑलवेज वन वन एंड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ये हमेशा आइसोमेट्री वन वन होगी और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगी, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता क्योंकि हम इसके एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं ये वन वन भी है और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी है बट ये आइसोमेट्री नहीं है। एवरी आइसोमेट्री इज अ होमियोमॉर्फिज्म, हर एक आइसोमेट्री होमोमॉर्फिज्म में होती है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये हमने इसका ऊपर वाला एग्जाम्पल ये इसी का ही है। उसके बाद लेट ई बी ए कॉम्पैक्ट सेट इन आर देन देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ई विच इज नॉट बाउंडेड, एक नॉन कॉम्पैक्ट सेट आर के अंदर है तो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जरूर मिलेगा जो बाउंडेड नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल और लीबेग इंटीग्रेबल की कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्या है कि लीबेग इंटीग्रेबल जो होते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं एट अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर, सॉरी काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर, बट जो रीमान इंटीग्रेबल होता है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी विच हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। उसके बाद अब मोनोटोनिक फंक्शन ऑन ए कॉमा बी हैज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन होता है मोनोटोनिक फंक्शन के अंदर, वेरिएशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, बाकी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाय बाय।